स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्वस्तिक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ भगवती पांडे, योर सोशल साइंस टीचर। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 17 ऑफ स्टैंडर्ड 10। नेम ऑफ द चैप्टर इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, जो कि आर्थिक हमारी समस्याएं हैं उससे रिलेटेड जितने भी हमारे सामने चैलेंज है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में हम मेनली पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट के दो चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से इकोनॉमिक के मीनिंग से रिलेटेड सारे मीनिंग समझा दिए। तो अब आप शांति से सुनिए जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर पार्ट वन। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगी आपको, जैसे कि पॉवर्टी, पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, मेजरमेंट्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी इन इंडिया में रूरल और अर्बन एरिया में पुअर है उनके बारे में आई विल एक्सप्लेन यू। एंड रीजन ऑफ पॉवर्टी दैट इज स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन, कि किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। नाउ लिसन केयरफुली। इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस वेरी सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, प्राइस राइज, ब्लैक मनी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्वेशन, करप्शन, टेररिज्म एक्सेट्रा। अमंग विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, पॉपुलेशन इंक्रीज आर मेजर प्रॉब्लम्स। ये जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्राइस राइज, ब्लैक मनी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्वेशन, करप्शन, टेररिज्म, इसका हिंदी में ये कि जो हमारे प्रतिदिन हमारा प्राइस बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो पैसा लोग शो नहीं करते यानी गवर्नमेंट के खाते में नहीं होता उसको हम ब्लैक मनी के नाम से जानते हैं। पॉवर्टी यानी गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, करप्शन मतलब जो कि एक तरह से सही काम ना किया जाए, टेररिज्म, आतंकवाद। और साथ ही साथ इनमें से जो मेजर हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज एंड पॉपुलेशन, जो कि डे बाई डे एक्सप्लोजन कह सकते हो आप बढ़ रही है। आउट ऑफ दिस वी शैल स्टडी अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर में हम ये दो को ही मेन पढ़ेंगे। पॉवर्टी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सेटिस्फाइंग देयर बेसिक एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। सच अ सिचुएशन इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी एंड पीपल लिविंग इन सच अ कंडीशन इन द सोसाइटी आर कॉल्ड पुअर। ऐसे लोग जो कि बेसिक नेसेसिटीज जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन से वंचित हैं उनको हम पॉवर्टी लाइन में रखते हैं, यानी गरीबी, उनको हम पुअर कहते हैं यानी गरीब कहलाते हैं। ऐसे तो पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इस गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। पॉवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। In India, poverty is viewed as lowest level of life. Common features of people living below poverty line are as follows. Poverty line में क्वालिटी कंसेप्ट क्या है इसको हम क्लियर करेंगे। आज जो लोएस्ट लेवल जिसको हमारी लाइफ को जीने के लिए जो हमें कम से कम रिक्वायरमेंट है जो वो भी नहीं होती वो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वो लोग आते हैं। पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू गेट टू मील्स अ डे, जो दो समय का खाना नहीं मिलने मिल पाता। पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डवेलिंग प्लेस, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। दे आर फोर्स्ड टू लिव इन शैबी और स्लम एरियाज, जो गंदे एरियाज में रहने के लिए मजबूर हैं जहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है। देयर इनकम इज लेस देन डिटरमाइन एक्सपेक्टेड इनकम, और उनकी जो आय है जितना उन्हें चाहिए उससे काफ़ी कम है। देयर लाइफ स्पान इज लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उनका जो लाइफ का सर्कल है, साइकिल है, वो कंपेरेटिवली कम है जो नेशनल एवरेज लाइफ के हिसाब से। जनरली दे आर इलिटरेट, ज़्यादातर लोग उसमें अनपढ़ होते हैं। वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, और उसमें ज़्यादातर लोगों को ऐसे डिजीज होते हैं जिससे कि उन्हें कुपोषण के शिकार होते हैं, उन्हें खाना ना मिल पाए उससे रिलेटेड उन्हें डिजीज होते हैं यानी बीमारियाँ होती हैं। चिल्ड्रन हु हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द फैमिली एट द एज व्हेन दे आर
आर सपोज टू स्टडी, और ऐसे परिवारों के बच्चे जब उन्हें पढ़ना चाहिए उस समय में वो लोग अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए जॉब करते हैं, काम करते हैं। डेथ रेट इज हाई ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, और उनमें डेथ रेट ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है क्योंकि कुपोषण के शिकार हैं। एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे एफर्ट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे लोगों के लिए किए जाते हैं जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज वेरी लेस इन सिटीज एज वेल एज इन विलेजेस, सच फैमिलीज आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिली और फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ऐसे परिवार चाहे गांव या शहर में जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती लाइन में जाने के लिए उनको हम अंत्योदय फैमिली के नाम से या ऐसी फैमिली जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है ऐसी फैमिलीज के नाम से जानते हैं। आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिलीज गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन बेसिस ऑफ द राशन कार्ड, और इस तरह के परिवारों को सरकार है जो भी डिस्ट्रीब्यूट करती है मटेरियल खाने पीने का सामान वो किस आधार पर कि उनके पास राशन कार्ड बनाया जाता है, उनके पास कम इनकम है उन्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। दी शॉप आर कॉल्ड फेयर प्राइस शॉप, ऐसी शॉप्स को हम किस नाम से जानते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स के नाम से। एवरी मंथ दे फुलफिल रिक्वायरमेंट्स लाइक राइस वीट शुगर ऑयल्स ऑयल एंड कैरोसिन एटसेट्रा ऑफ सच फैमिलीज, और इस तरह से इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है चाहे गेहूँ चावल चीनी ऑयल सॉल्ट कैरोसिन की इनके द्वारा पूरी की जाती है इस तरह की शॉप्स के द्वारा। इट हैज़ ट्राइड टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, और इस तरह से इनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है। कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी वॉज फर्स्ट प्रोपाउंड बाय डायरेक्टर ऑफ WHO फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन। सर्टेन फैक्टर्स आर कंसिडर्ड विच इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोथिंग एकोमोडेशन एजुकेशन हेल्थ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी सैनिटेशन फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड इनकम एज वेल एज द इनटेक ऑफ कैलोरीज। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्पेंड विच इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। WHO द्वारा के द्वारा फिक्स किया गया कि ऐसे लोग जिन्हें कि रहने के लिए खाना पीना इलेक्ट्रिसिटी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इसके आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है पॉवर्टी लाइन। क्या मेजरमेंट है पॉवर्टी के, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, देयर आर टू वेज ऑफ नोइंग नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। फर्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज और सर्विसेज बाय अ फैमिली, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि एक परिवार में जो लोग रहने वाले हैं उनके द्वारा क्या क्या कमोडिटीज यूज की जाती है ऑन बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ फैमिली, और उस परिवार में रहने वाले लोगों की टोटल इनकम क्या इस पर डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दोज पीपल ऑफ सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक ग्रेन्स पल्स मिल्क वेजिटेबल एट लोएस्ट मार्केट रेट आर सेड टू बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ऐसे लोग जो कि सारी चीज़ें जो हमारे खाने पीने के लिए अनाज है साथ ही साथ दालें हैं और दूध सब्जियां नहीं लोएस्ट प्राइस में भी नहीं खरीद सकते हैं उनको एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रखा जाता है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, सोसाइटी हैज डिफरेंट इनकम ग्रुप्स अलग अलग इनकम ग्रुप्स है, अमंग देम सम पीपल हैव नो इनकम इन कंपैरिजन टू अदर्स, सच अ ग्रुप इज कंसीडर्ड टू बी रिलेटिव पुअर, और इस तरह के जो लोग हैं ज़्यादा उनको हम क्या कहते हैं रिलेटिव पुअर, जैसे एक ग्रुप के पास 10,000 दूसरे के पास 20,000 तीसरे पास 30,000 उनकी फैमिली की इनकम है, और इस तरह से ए के पास कम है कंपैरेटिवली बी के, और इसी तरह से बी की कंपैरेटिवली कम है सी के, इस तरह से इसको रिलेटिव पुअर पॉवर्टी में रखते हैं। अक्सर पॉवर्टी में जो कम से कम रेट्स में जो लोग चीज़ों को नहीं खरीद पाते उन्हें एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रखते हैं। पॉवर्टी इन इंडिया, इन ऑर्डर टू डिसाइड पॉवर्टी लाइन 2011-12 प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरियाज क्या रखा गया, 816 रुपया यानी कि 4,080 रुपये पर फैमिली एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और अर्बन एरिया के लिए पर कैपिटा इनकम 1,000 रुपये यानी कि पूरे एक परिवार के लिए 5,000 होना चाहिए। दिस मीन्स एटलीस्ट दिस मंथ पर कैपिटा इनकम शुड बी देयर टू रीच आउट एक्सपेंडिचर ऑन बेसिस ऑफ न्यू क्राइटेरिया।
India, number of the poor has reduced to 27 crore in 2011-12, and rate of poverty has reduced to 21.9% in the ratio of total population. In 2009-10 में जो ratio थी poverty की, उसको कितनी थी? Relation of population of India was 29%. Thus, approximately 35.47 crore people were living in poverty, यानी कि 35 से लेके 36 करोड़ पीपल्स जो हैं वो गरीबी रेखा में रह रहे हैं. इन ऑर्डर टू सी इक्वालिटी प्रिवेल्स इन द इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड बैंक हैज डिसाइडेड पर कैपिटा इनकम एज 1.90 US dollar इन 2012 एज पर द रेट ऑफ 2008, विच इज कंसिडर्ड एज द स्केल फॉर पॉवर्टी लाइन. According to one report of World Bank, India's total population was approximately 1,121 crore in 2010, out of which 32.7 people were living in below poverty line. जो हमारा 2010 का डाटा था उसमें 121 करोड़ लोगों में से जो थे 32.7% पीपल जो किसमें रह रहे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे थे, जिसको अबाउट माना जाता है 40.5.6 crores. So as per the report of UNDP, ratio UNDP 2015, ratio of poverty in India in 2011-12 was 21.92 of the total population, out of which proportion of poverty at the rural level was 25.7%, while at the urban level it was 13.7%. It means that out of total poor, I 26.93 crores, 21.65 crore people, state of India, 21.65 crore people in the rural area and only 5.28 crore people in urban area, Chhattisgarh is the poorest state of India. So while Goa has lowest poverty rate, versus Goa ka lowest poverty rate, in Gujarat the proportion of poverty is 16.63. छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एक्सेट्रा है मोर देन 30% प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. तो इस तरह से देखा जाए तो कंपेयर किया जाए अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लोग गरीब हैं. इंडिया इज बेस्ट रोड विद नेचुरल रिसोर्स. हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, हमारे एक गिफ्ट ऑफ ऑनर कह सकते हो आप कि जो हमारे को नेचर से मिला है. एंड इज प्रॉस्पेरस इन नेचुरल रॉ मटेरियल, और हमारे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी टू मेक वर्थी प्रॉफिट फ्रॉम देम, लैक ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल, इफेक्टिव प्लानिंग सिंस इयर्स, दीज नेचुरल रिसोर्सेज हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड टू देयर बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल. इस तरह से लोगों को जो उसको स्किलफुली सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने का आइडिया और नए नए उनके पास टेक्निक्स नहीं है, वो लोग अपना भला नहीं कर पा रहे. एज अ रिजल्ट ऑफ इट प्रपोर्शन ऑफ पॉवर्टी हैज नॉट रिड्यूस, कारण से जो गरीबी है वो नहीं कम हो पा रही है. सो इट इज सेड पुअर लिविंग वेल्थ इंडिया, इसे कह सकते हैं कि इस समृद्धशाली भारत में गरीब रहते हैं. रूरल पुअर जनरली लैंडलेस लेबर्स, फार्म लेबर्स, आर्टिशंस ऑफ कॉटन इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मार्जिनल फार्मर्स, बैगर्स, फोर्स लेबरर्स, इनहेबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन, ट्राइबल्स, टेम्परेरी क्राफ्ट्समैन एक्सेट्रा और पुअर रूरल पुअर. इनको हम किस नाम से जानते हैं? रूरल पुअर के नाम से जानते हैं. अर्बन पुअर्स कौन से हैं? टेम्परेरी लेबर्स, लेबर्स ऑन डेली वेजेस, डोमेस्टिक वर्कर्स, रिक्शा वाला, वर्कर्स इन टी स्टॉल और होटल्स और ढाबाज, वर्कर्स वर्किंग इन गैराजेस, बैगर्स और हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर मिनिमम एंड बेसिक नेसेसिटीज एंड लिव इन पॉवर्टी आर कंसिडर्ड टू बी अर्बन पुअर. इस जो गांव में बिना जमीनों वाले हैं, जो लेबर्स हैं वहाँ के, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज में या मार्जिनल फार्मर्स हैं, बैगर्स हैं, कोर्स लेबर्स हैं, वो तो हमारे रूरल पुअर कहलाते हैं. और दूसरे जो यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स हैं हमारे सिटीज़ में, रिक्शा वाला है, टी स्टॉल में काम करने वाले, होटल्स में, ढाबाज में, गैराजेस में, टैगर्स हैं, ये लोग हमारे अर्बन पुअर्स हैं. क्या कारण है? हम उसको
origin of poverty is more deep rooted in villages, rural areas as compared to urban areas. Following are the reasons for it. हमारे गांव में ज़्यादा गरीब लोग हैं कंपैरेटिवली शहर के. डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनसफिशियंट इरीगेशन फैसिलिटीज. क्योंकि हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क करते हैं और उसमें इनसफिशियंट डेवलपमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई कंपेरेटिवली और इरीगेशन फैसिलिटीज न होने के कारण वो लोग ज़्यादा गरीब रह सकते. लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग. उनके पास ज़्यादा ऑल्टरनेट नहीं है फार्मिंग के अलावा. लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट और कम उनके पास शिक्षा है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन भी कम है. स्किल और ट्रेनिंग कम है रूरल एरियाज में. इंक्रीज इन डेप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्सिक ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. इट मे बी सेड दैट इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर. वहाँ के लोगों में अभी भी बहुत सारे कास्ट सिस्टम ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहे हैं तो जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. ड्यू टू इलिटरेसी पुअर बिकम विक्टिम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इंडस्ट्री. और इसी कारण इलिटरेट होने के कारण जो गरीब लोग हैं वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है. अलॉन्ग विद देम दे आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. सरकार की सुविधाओं को कम जानकारी होने के कारण वो उसका फायदा उठा नहीं पाते हैं. ड्यू टू इग्नोरिंग नेसेसिटीज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पुअरेस्ट सेक्शन और सोसाइटी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. और उनको इग्नोर रखा गया जबकि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है. प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स वॉज एंकरेज वाइल प्रोडक्शन ऑफ एडिबल क्रॉप्स वॉज रिड्यूस. कैश क्रॉप को एंकरेज किया जा रहा है और एडिबल क्रॉप्स को नेग्लेक्ट करने के कारण भी धीरे धीरे इस प्रॉब्लम का इजाफा हो रहा है. दिस ट्रिक्ट ट्रिगर्ड द स्कैसिटी ऑफ ग्रेन्स and purchased their price rise because of which people could not get raised twice a day. और इसके कारण कई जगह खाने के की कमी हो गई और लोगों को दो टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है. बिकॉज ऑफ एक्सक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रूरल इकोनॉमिक कॉलर्स कॉटेजेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ब्रोक डाउन माइग्रेशन इंक्रीज इनकम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज. और इन्हीं सब कारणों के कारण जो रूरल इकोनॉमी है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और वहाँ पे जो क्वार्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनका भी खात्मा हो रहा है क्योंकि तो वहाँ से वो माइग्रेट हो जा रहे हैं और एग्रीकल्चर में के सेक्टर में इनकम कम होती जा रही है लोगों का इंटरेस्ट कम होता है. पुअर पीपल आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन एंड डिजीज. और जो गरीब लोग हैं कुपोषण के शिकार हो रहे हैं और कई बीमारियाँ भी उन्हें झेलनी पड़ती हैं. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्रीज और द इनकम वॉज स्टैटिक टिक पर्ट एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन इंक्रीज. और इस कारण से जो एक्सपेंडिचर हाल से रिलेटेड लोग बढ़ते जा रहे हैं लोगों की जो एक तरीके से इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों में खर्च हो रही है. ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल बिजनेस कॉटेज इंडस्ट्री एक्सेट्रा डिटोरेटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज. और इसके कारण जब ये सारी चीज़ें भी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्रीज तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है. तो देयर वाज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ डेथ रेट डिक्रीज. पॉपुलेशन बढ़ रही है डेथ रेट कम हो रहा है. एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज और लोगों की एवरेज लाइफ बढ़ती जा रही है. सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज और लेबर्स की सप्लाई भी बढ़ रही है इन कंपैरिजन ऑफ डिमांड ऑफ लेबर. सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज और इसके कारण जितने लेबर की जरूरत है ज़्यादा लेबर है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. ऑन द अदर साइड द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स ऑन बेसिस रिक्वायरमेंट डिक्रीज. और लोग जो प्रोडक्शन है चीज़ों का धीरे धीरे बेसिक रिक्वायरमेंट्स के कारण उनकी जो है वो उन्हें कम मिल पा रहा प्रोडक्शन. देयर वॉज प्राइस राइज बढ़ रहा है. डाउनफॉल इन परचेज पावर वॉज एक्सपीरियंस. और देखा जा रहा है कि लोग ऐसे गरीब लोगों का खरीदने की कैपेसिटी दिन पर दिन कम होती है. लिविंग स्टैंडर्ड डिटेल उनका रहने का स्टाइल काफ़ी नीचे गिर रहा है. जीवन स्तर डे बाई डे नीचे आ रहा है और वो गरीबी रेखा बढ़ती ही जा रही है. स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी रेडिएशन किस तरह से बताया उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है. वेरियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इट्स ग्रेव. इसकी जो अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं स्किल सिस्टम वो इंक्रीज होता जा रहा है उसके बावजूद भी गरीबी बढ़ती जा रही है. रीजंस फॉर इट हैव बीन अंडरस्टूड इन द शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट इट हैज बिकम इजी टू अंडरस्टैंड इट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी इज टू बी अडॉप्टेड टू रिमूव पॉवर्टी. कि किस तरह से हमको इस गरीबी को खत्म करना ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए. टिल नाउ 11th
कंप्लीटेड। और इस तरह से 11वें साल का जो प्लान है वो कंप्लीट हो गया है। टिल देन नेगलेक्शन ऑफ रूरल एरिया स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वर्क प्लान इज फॉर्म मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। गोल्डन पिनकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी मे बी देयर इन द अर्बन एरियाज बट द बेस लाइज इन द रूरल एरियाज ओनली। हमारे जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं पर बेस तो हमारा गाँव में है, इसलिए वहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए वहाँ की इकोनॉमी को हाउ टू इम्प्रूव। विलेजेस आर द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी और ये जो गाँव के लोग हैं वही हमारी आर्थिक व्यवस्था का हृदय है। सो इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव एंड प्रॉस्पेरस अ लार्ज पार्ट ऑफ बजट शुड हैव बीन स्पेंट आफ्टर देम। और इस तरह से काफ़ी पार्ट हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए विलेज की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए हमें कई अलग अलग तरीके से नए नए तरीके से उसको इम्प्रूव करना चाहिए। एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल बाय डेवलपिंग विलेजेस। जब हम गाँव का सुधार करेंगे तभी हमारे देश का सुधार होगा। दस थ्रो द प्रोग्राम ग्रामोदय भी से भारत उदय यानी ग्राम के जो विलेज है उनके उत्थान से ही हमारे देश का उत्थान होगा माना जाता है। प्रेजेंट गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंटेड द बेसिक आइडियाज दैट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेज। देश की प्रोग्रेस तभी है जबकि हमारे गाँव को प्रोग्रेसिव बनाया जाए। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है एम्फेसाइज ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्लान एंड प्रोग्राम्स फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ने कई प्रोग्राम्स बनाए हैं गरीबी को खत्म करने के लिए। फॉर दिस स्ट्रेस हैज बीन लेड ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक नीड्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कोटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सेट्रा इज अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड। और इस तरह से चाहे कोटेज इंडस्ट्रीज हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुधार के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाएगा। फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज इससे क्या होगा कि इनकम का फ्लो बढ़ेगा और पॉवर्टी विल बी डिक्रीज और इस तरह गरीबी कम होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज गिवन अ थ्रस्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल हेवी एंड पी इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी फॉर देयर डेवलपमेंट एंड प्लेस हैज बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। ऑन द अदर हैंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हैव बीन इंप्लीमेंटेड सो डेवलपमेंट मे बी देयर इन एग्रीकल्चर। हर तरीके से गरीबी हटाने के लिए वो शहरों में भी और गाँव में भी नई नई जो भी स्कीम्स निकाली चाहे ग्रीन रिवोल्यूशन हो उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्शन विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बेनिफिट्स अचीवमेंट बाय ऑनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज विल इंक्रीज। चाहे इंडस्ट्रीज है चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है या हमारा कोई दूसरी इंडस्ट्रीज है उन सब में हमें अलग अलग तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराने है। बेरोजगार नहीं रखना है रोजगार देना है। इनकम ऑफ रिच फार्मर्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल पीपल एंड दस इट विल डिक्रीज इन बट द स्ट्रेटेजी प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक वेबलर स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री रिमेन्स स्लो अलॉन्ग विद स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वॉज इन इक्वल एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द रिजल्ट ऑफ द इनकम एंड वेल्थ वॉज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ टू रिच पीपल ओनली सो द नो इम्प्रूवमेंट वॉज देयर इन द कंडीशन ऑफ प्योर पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम रिच पीपल बिकमिंग रिचर एंड पुअर बिकमिंग पुअर। ये सारी चीज़ें हमें डे बाई डे देखना है कि रिच पीपल जो डे बाई डे अमीर हो रहे हैं और गरीब दिन पर दिन गरीब हो रहे हैं तो उनके बीच का डिस्पैरिटी हमें मिटानी है। और इसके साथ ही इन ऑर्डर टू रिमूव द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम गवर्नमेंट फ्रेम सच टाइप ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी सो द पुअर मे गेट कमोडिटी एसेंशियल फॉर देयर लाइफ एंड प्रोडक्शन ऑफ सच कमोडिटीज इंक्रीज। और लोग जो जितनी इनकम ज़्यादा है उनको ज़्यादा टैक्स देने पड़ते हैं और इससे कि वो टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट जो ज़्यादा गरीब लोग हैं उन तक फैसिलिटीज को मुहैया कराती है यानी अवेलेबल कराती है। फिर अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने इम्प्रूव करना है चाहे वो उसकी रेगुलेशन बनाए टेनेंसी एक्ट हो या सिक्योरिटी ऑफ कल्टिवेशन राइट्स हो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज स्किल बनाए गए हैं उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए ये सब हमें करना है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस पॉलिसी टू एनकरेज एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच लाइक कैटल रेयरिंग डेयरी इंडस्ट्री पिसी कल्चर
चाहे वो फार्मिंग वाइज रिलेटेड पोल्ट्री फार्मिंग हो या जहाँ पे मधुमक्खी पालन हो, जहाँ पे मुर्गी पालन हो, बकरियों को पाला जाता है, साथ ही साथ एनिमल्स हस्बेंड्री के साथ जो दूध दही घी हमें मिलता है उसका जो ऑप्शन है डेयरी इंडस्ट्रीज का, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाके गाँव में किया जा सकता है। गवर्नमेंट है इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट की बिल्कुल कोशिश है कि वो एजुकेशन है, रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेशन, इन सबको इम्प्रूव करें। इट हैज इम्प्रूव इरीगेशन फैसिलिटीज, रोड प्रोटेक्शन, स्किल एंड ट्रेनिंग फील्ड्स एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वैराइटीज ऑफ क्रॉप बैंक लॉन्स फॉर ऑब्टेनिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर एक्सेट्रा, और इस तरह से टाइप ऑफ वैराइटी ऑफ स्टेप्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर रूरल इक्विपमेंट, और इस तरह से जो जितने भी रूरल इक्विपमेंट हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स में लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हमको दिखेंगी। तो सो द गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरियस स्टेप्स टू कॉम्बैट द डेमन ऑफ पॉवर्टी स्ट्रेटेजिकली। इंडिया विल हैव टू टेक फर्म स्टेप्स टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ इरेडिकेटिंग डीप रूटेड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड टू कम्प्लीट द मिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम वर्ल्ड बाई 2030 तक। हमारा ये टारगेट है कि हम अपने देश की इस तरह की समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर दें। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से शुरू करूँगी, तब तक आप ये समझिए और कुछ प्रॉब्लम्स हो देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक्स।